नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक फिटनेस आइडियाज़ में। दोस्तों आज मैं हिटराजिन टैबलेट का रिव्यू करने जा रहा हूं और इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा कि इसके बेनिफिट्स से क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, साथ ही इसके साल्ट कंपोजिशन और प्राइस के बारे में भी आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं साल्ट कंपोजिशन, तो इसमें होता है डाइथाइल कार्बामेजाइन। और बेनिफिट्स की अगर बात करें तो इसे पैरासाइटिक इन्फेक्शन या वॉर्म इन्फेक्शन जिसे कहते हैं, शरीर में कीड़े हो जाते हैं पेट में और उसका जो इन्फेक्शन होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा फाइलेरियासिस नाम की एक बीमारी होती है जिसको हिंदी में हाथी पांव कहते हैं, जिसमें कि शरीर के अंगों में सूजन आ जाती है। जैसे कि आपने देखा हो कई लोगों के पांव हाथी जैसे हो जाते हैं, मोटे मोटे सूज के, या कई लोगों के हाथों में सूजन आ जाती है और भी शरीर के पार्ट में सूजन आ जाती है। तो इन सब बीमारियों के लिए डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब करते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है और ये एक प्रेस्क्रिप्शन ड्रग है जो कि बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के यूज़ नहीं की जाती। तो कभी भी इसका खुद से यूज़ ना करें। अगर इनमें से आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो पहले डॉक्टर से प्रेस्क्रिप्शन ज़रूर ले लें। और अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो कुछ इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, जैसे कि इसको लेने के बाद कई लोगों के सिर में दर्द होने लग जाता है, या घबराहट होती है, उल्टी आती है, या जी मिचलाता है, या उनका लीवर फंक्शन एबनॉर्मल हो जाता है, या पेट में दर्द होने लगता है, बाल झड़ने लगते हैं, या बुखार चढ़ जाता है, चक्कर आते हैं। तो ये कुछ इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं और हर किसी के शरीर पे अलग अलग रिज़ल्ट होता है और सबके साथ एक जैसे साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, एक जैसा रिज़ल्ट नहीं होता है। प्राइस की अगर बात करें तो 30 टैबलेट का पूरा स्ट्रिप आता है, फाइजर कंपनी का आता है, बहुत ही फेमस है ये। और 40 रुपीज़ इस पर MRP दिया हुआ, डिस्काउंट करके आपको आसानी से 35 रुपीज़ का मिल जाता है ऑनलाइन, या किसी भी केमिस्ट की शॉप से ऑफलाइन भी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था हिटराजिन 100 टैबलेट का रिव्यू। अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।